guys, welcome back to my YouTube channel. It's Anushka here and today आज मैं पहली बार एक कुकिंग वीडियो करने जा रही हूँ अपने चैनल पे विद माय सिस्टर पी हु हेलो. इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करना. नेम क्या नेम अपना चैनल का? ग्लिक्सी अनन्या. सो या सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. पहले तो अभी तो हमने इतना ताम झाम करके हमें इतनी भूख लग रही थी. सो हमने अभी अभी ये काटे हैं क्यूकम्बर टमाटोज एंड अनियन. सो अब गेस करके बता हम क्या बना रहे हैं. जस्ट गेस. हम बना रहे हैं सैंडविचेस. सो या हम सैंडविचेस बना रहे हैं. इसके लिए आपको जो भी आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप लेना. एंड देन केचप एंड मेयोनीज. हम मेयोनीज इतना खाते नहीं है बट जब सैंडविचेस की बारी आती है तो हमें पूरी मेयोनीज का पैकेट भी दे दो. हाँ तो हाँ और तवा भी चाहिए हमें. और हाँ अगर आपको लग रहा हो कि हमने ऐसे ही कर रहे हैं गैस वैस का काम बट नहीं हमने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया है चाचा चाची और मम्मा से. सो अब हमें तवा ढूंढना है. हम आपको तवा ढूंढने के बाद मिलते हैं. सो हमें 10 मिनट के बाद हमने अपना तवा ढूंढ लिया है. अब हम जलाने जा रहे हैं गैस. थोड़ा तेज बोल लो. अब हम जलाने जा रहे हैं गैस. जलाने नहीं जा रहे मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो वो मैं दिखाती हूँ. हम प्रो हैं इसमें प्रोफेशनल. स्टेप्स फॉलो मत करिएगा कुछ भी हो सकता है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हम गैस ऑन कैसे करते हैं. ये हमारी गैस है और यहाँ हमारी कुकिंग हो रही है. राइट चलो हम बस स्टार्ट करते हैं. डन. एंड नाउ हम अपने घटिया से तवे को रखेंगे गैस पे. देयर वी गो लाइक अ प्रो. ये लगा हुआ है. तो अब हमने सारा स्टफिंग का ब्रेड सैंडविच का स्टफिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था. और मैं गई थी स्पून वॉश करने. तो यार पीहू खड़ी थी बस मजे ले रही थी. तो ओके तो अब मैं स्पून वॉश करके ले आई हूँ. नाउ अब हम मेयोनीज डालेंगे फन फूड्स की वेज मेयोनीज. एंड आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो. मेरी हिसाब से मत करना कुछ भी वरना सब गड़बड़ हो जाएगा. अभी हो तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं इसमें अभी हम मेयोनीज लगा रहे थे और शायद पहले या फिर अभी मैंने इसके ऊपर ब्रेड गिरा दी थी. ओके सो स्प्रेड 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 करते रहो. मैं कुछ काम ही नहीं कर रही थी. मैं तो काम कर रही हूँ और देखना कितना काम कर रहा है. आप मैंने बताया सब. ओ तो आप पिंक केचप डाल रही हो. इतनी सारी डाल दी मतलब. ओ भाई यार दिखने में तो इतनी कम है और बोल रही सारी. ओके तो आप केचप को भी आप स्प्रेड कर देना. नाउ अब हम इतनी सारी वेजिटेबल्स डालेंगे. और हम बात ही भी कर रहे थे ऑफकोर्स चुप रह के तो कुछ कर नहीं सकते हम काम पढ़ाई भी. सो या अब हम इसमें कैप्सिकम कह रही हूँ क्यूकम्बर टमेटोज और अनियंस डालेंगे. तो मैं ले रही हूँ फुल स्पून भर के टमेटोज और टोमेटोज को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो कॉर्नर्स में सारे में स्प्रेड हो जाए. नाउ आई एम टेकिंग अनियन. हाँ अनियन भी आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लेना. मेरे हिसाब से कुछ भी मत करना. एंड क्यूकम्बर जो फेवरेट पार्ट था. हमारे पास कैप्सिकम नहीं था वरना हम कैप्सिकम भी डालते. यू कैन टेक एनी वेजिटेबल यू वांट. तो अब हमने इसे दोनों ब्रेड को एक साथ पुट कर दिया है और अब हम इसे तवे पे करेंगे. और तवा मैंने गलती से सिंक पे डाल दिया था तो अब पीहू और मैं झंझट कर रहे हैं धुलने का.
सो या एंड यू लार ये तवा तीनों का हाथ जल जाता लाते लाते तो अब मैं तवा ले आई धुल के अच्छे से और मैं गैस ऑन कर रही हूँ और मुझे इतना डर लग रहा था यू कैन जस्ट सी और तीनों पता नहीं क्या कर रही थी और अब मैं उसको डाल दिया गैस पे ब्रेड सैंडविच को और अब मैं इस टूल से पानी से क्या कहते हैं करछी परछी जो भी हो तो अब हम इसे स्प्रेड करेंगे और सॉरी हाथ चिमटा मैं बोल हाथ अब स्प्रेड कर दिया मतलब डाल दिया स्प्रेड स्प्रेड और आप इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमारी तो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी बट उसमें जलने का टेस्ट नहीं आ रहा था तो हमारी फर्स्ट ब्रेड रेडी हो गई है और ये और हम अब हम मैं ये फर्स्ट ब्रेड ना मम्मा को दूंगी तो मैं पीहू और मम्मा को सैंडविच खानी थी चाची ने मना कर दिया था सो ये अब ये बन गई हमारी म्यूजिक मतलब हंसे ही जा रही थी निकाल दो प्लीज अब जल्दी से गैस धीमी कर दो एकदम धीमी कर दो एकदम बस अब बुझाना मत जल्दी से बटर डालो दोबारा बटर फिर ना चिपक जाएगा खुशी दीदी ये चिपक जाएगा ये ओ बटर तो डाल दो अब जल्दी से धीमी आज करो अरे धीमी करो यार धीमी करो धीमी अगर तुम नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती ना अपने भी
साइड से खेलने ना, इसलिए बेटे को भी और लगा रखते हैं। पलटा पलटा और बटर को भी मुझे एकदम मिल गया, क्योंकि तक नहीं आया सही है। दो हो गए, ये हम दोनों के हो गए। अभी हमें और दे दो बार, अभी गैस पर मत करना। सही लॉल हो रहा है हमारा, वीडियो चल रही है इसलिए नहीं। मैं इसमें म्यूजिक डाल दूंगी, ये पूरी जो अभी मैंने क्लिप बनाई है ना, जब से अभी वॉल्यूम धीमी कर दूंगी, म्यूजिक लगा दूंगी। सही है? नहीं अभी गर्मी हो गई है और कितनी है जल्दी करो भाई। यो तो हमारा कैमरा सेट हो गया है इतनी मुश्किल से, ताकि बस ये तवा दिखे, बस तवा। सो या अब आपको चाहिए होगा, अभी तक हमने गैस स्टार्ट नहीं करी, वो हमने सिर्फ वीडियो के लिए किया था। एंड या पियो जब तक तुम बोलो मैं बटर लेके आती हूँ, बटर यानी। अब बस हम यहाँ पे गैस जला के या कि स्टार्ट करके अब इस तवे के ऊपर बटर डालेंगे, यम्मी यम्मी बटर। तो मैं ले आई हूँ अमूल बटर, खाता है इंडिया। ओके तो हम इसे स्टार्ट करते हैं तवे को हटा के। एक्चुअली भी उन्हें गैस गलती से बंद कर दी थी, कोई बात नहीं फिर से। तो अब बस हमें ये बटर चाहिए, थोड़ा सा ही लेना, ज्यादा लेना बटर खाने, ज्यादा बटर खाने से मूछे हो जाते हैं। अब मैं इस वीडियो को म्यूजिक पे डाल दूंगी, ताकि अब बोर ना हो। गाइस हमारी ब्रेड सिक गई हैं, हियर यू कैन सी, बहुत मुश्किल से सीखी हैं। और जो अभी मैंने लास्ट वाली क्लिप बनाई थी जिसमें हम सब बना रहे थे, उसमें मैं वॉइस ओवर कर दूंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। एंड ये हमारी सिक्स ब्रेड सिक चुकी है, ये मम्मा की है, ये मेरी है, ये दिए है हमारी पीहू की। सो या एंड नाउ हम क्या करेंगे इस पे, हम पहले क्या लगाएंगे, केचप या मेयोनीज? ओके तो हम पहले लगाएंगे मेयोनीज, यानी कि फन फूड मेयोनीज। ये वाली हमारी फेवरेट है, हमें कोई और अच्छी नहीं लगती। तुम्हें? यस, ये हमारी फेवरेट है फन फूड्स की, वेज मेयोनीज सिंपल नॉर्मल। एंड ये हम किसान का फ्रेश टमाटो केचप यूज करते हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है केचप में, ये दोनों। सो पहले हम लगाएंगे मेयोनीज ऑन द टॉप, फिर लगाएंगे ऑन द लास्ट, मतलब हम नीचे लगा रहा हूँ यार तुम थोड़ा तेज बोला करो, डरा पानी पड़ गया, सॉरी मैंने अभी सिंक में डाला था। तो अब हम लगाएंगे तुम तो मेयोनीज नहीं खुल रही, रुको वेट सुनो, पहले मैं अपना ट्राइपॉड सही सही कर लूं। मेयोनीज आप क्या बड़ा टाइट? हाँ क्योंकि वो एकदम फ्रेश है, हमने अभी तक ओपन नहीं करी है वो वाली। बूम लाइक अ प्रो, प्लीज सेट हो जा। ओके जैसा भी सेट हो रहा है प्लीज उस एंगल में ही देखिएगा, बहुत कठिन है। एक्चुअली मैंने ओवन के ऊपर अपना ट्राइपॉड रख रखा है, सो या यू तुम भी नीचे देखो। यो ओके तो हम इसके अभी मैं ऑन कर रहा हूं, ऐसे कर रही थी बस ऐसे करनी चाहती। सो अभी ले रहा है, बात खोल लो, हथियार लेना पड़ेगा अपना हाथ का। खुल गया, इतना लूज था वो, तुमसे भी नहीं खुल पा रहा था।
भूल गया, थोड़ा टाइट था। ओके तो मैं फिर से कुछ नहीं बोलूंगी, वॉइस ओवर करूंगी। एंड क्या आपको देख लेना, क्या देखना है। हे गाइस, तो हमने आधे घंटे की मेहनत के बाद हमने बना ली है, आधा घंटा हो गया है जी, 5 बजे शुरू किया था। अच्छा तो मेरी सैंडविचेस हो चुकी हैं, अब लड़ाई झगड़ा बंद करो। मैंने ये रेड प्लेट लिए, लुक हाउ डिलीशियस इट लुक। मैंने ग्रीन प्लेट, एक्चुअली यहाँ पे ना बस थोड़ा सा हमने ज्यादा ही बटर कर दिया। हाँ, वो बटर की वजह से ना वो फूटने लग गए। रुको गाइस, कुछ भी बोलते चले जाओ यार, मेरा ट्राइपॉड नहीं सेट होके देता है। ओके तो अब हम पहले मैं इसकी वीडियो बना लूं एक। रुको 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 भाई, पलटते फोटो आ गई। तो अब हम अपनी सैंडविच जो हमने दोनों मिलके बनाई है, हम टेस्ट टेस्ट बताएंगे कि कैसी बनी है। थोड़ा होलिया खराब है बट खा के देखते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और क्रंची दोनों है। 3, 2, 1 गो। बहुत यम्मी, मैं आधा इंडियन आधा हिंदी। गाइस बहुत टेस्टी है। ना इतनी क्रीमी है ना, मैंने भी उसे कहा था इतनी इतनी मियानी डालेंगे, इतनी इतनी सैंडी डालेंगे, वो तो पीहू की वजह से इतनी सॉफ्टर बनी है, वरना फिर टेस्ट नहीं आता अगर मैं बनाती तो। आपने बहुत हेल्प, हाँ सेखा मैं नहीं है क्योंकि उनकी हाइट नहीं पहुंचती बट बनानी पड़ती। मैं ना ऊपर बना पाती हूँ, देखिए पास्ता मैगी एंड सैंडविचेस, ठीक है। मैक्रोनी नहीं बना पाती, हाँ एंड मिल्क बना लेती हूँ, और गाइस ये सब बना लेती हूँ, और तब बोल रही है मैं बना नहीं पाती हूँ, और तवे तक हाइट पहुंच जाती है, हाथ हाथ हाइट। बहुत जमी बनी है, हम घर में गए तो वे होते हैं का ये नहीं पकती लगाएंगे। और सबसे पहले सॉरी यही बोलती है क्योंकि मैं तो बोलने से रही, मतलब झूठी अभी बोला ना गाय कि मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं मानती हूँ खाने के बाद मिलेंगे। उनका मारे देखो मुंह तड़ चुके हैं और हम बहुत मैसी तरीके से आ रहे हैं। मैं आपको खाने के बाद मिलूंगी यार। पी मैं अपनी कभी गलती नहीं मानती। तुम झूठ क्यों बोलती हो कि मैं कभी अपनी गलती नहीं मानती। अच्छा जी मैं सोच रही थी कि पीयू सब कैमरे के लिए बोल रही है, यही सच्चाई थी। तुम कितनी गंदी हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा सो या इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल। और हमें और खाने का बनाना है बट हम बनाएंगे नहीं क्योंकि ताम तमीला करना पड़ता है। सो बाय बाय।
See you in the next video.